काम आए। उनकी शिक्षा ही एक अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप छात्रों को क्या संदेश देंगी और खास तौर पर अभिभावकों को, क्योंकि अभिभावक ही हैं जो बच्चों में अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी बेटियां सशक्त हों, वो भी आगे आए, अपनी पढ़ाई पूरी करें, और जिस तरह से सरकार इस तरह का मंच देती है, निश्चित रूप से बेहतर भविष्य का निर्माण होता ही है, भविष्य समृद्ध है और हमारा भारत भी समृद्ध की ओर जाता है। जिस तरह का यहाँ मंच है, मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा मंच हर कॉलेज में होना चाहिए। आज एक कॉलेज में, हर कॉलेज में होगा तो अपने यहाँ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे भारत के लिए तैयार हो सकेंगे, जिससे हमारा भारत मोदी जी की सोच तक पहुंच पाएगा। और बच्चियों की बात है, बच्चियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और पूरी तरह से आज बराबर काम कर रही हैं। हमारा जैसे कॉलेज में देखती हूँ, लड़कियां और लड़के बराबर के उसमें हैं, जिससे कि आज जो उनके माता पिता सोचते हैं कि बेटियां कमजोर ना रहे, अपने पैरों पर खड़ी रहे, हम तो सोचते हैं भारत का हर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा रहे, जिससे कि वो भी पूरे देश में और सभी देशों में भारत एक नंबर आए, जो मोदी जी की सोच है। बच्चों से यही कहते हैं कि रिसर्च और सॉल्यूशन के बारे में सोचें, जिससे कि वो आगे बढ़े और समाज और भारत को कुछ दे सके। बिल्कुल, तो हैकथॉन जैसे आयोजन निश्चित रूप से भारत को स्मार्ट बनाने के लिए, स्मार्ट इंडिया बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होते हैं, जिसमें बच्चों को प्रदान किया जाता है मंच की उनके पास जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आगे आए, उस पर इम्प्लीमेंट हो, ताकि भारत समृद्धि की ओर आगे बढ़े। The team that won is Team Aurora.